लो जी, वेलकम बैक। फिल्म उत्थे डकी गई सी कि जिथों सारा ट्विस्ट है फिल्म का, है तो ट्विस्ट जिहड़ा उह रहिंदा, तो ट्विस्ट पर शुरू कर रहे हैं आपां। तो चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज तेरे प्यो दी सारी जिंदगी दी कमाई खूह वे चली गई है पुत्रा। 25 साल इस जमीन ले तेरे प्यो ने पट चुकया। 25 साल इस जमीन ले तेरे प्यो ने अपनी भैन दे घर विच रह के बिशर्मा वांगू सुके टक चबे। अच्छे जमीन का वारिस अपनी जमीन लैण लई अमरीका तो वापस आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं बापू। सुरजीत सिंह इस दुनिया विच नहीं रहा हुण, पर वह अपने दूजे व्याह चो अपना वारिस छड़ गया है। ते डॉक्टर होर कोई नहीं, उसे दी औलाद है। हुण इहदा भी कुछ करना पो पुत्र। नहीं बापू, देख बापू, मैं तेरे कहने ते पहले एक बारी राणी दे मंगेतर दा कतल कर चुके हां। देख बापू, मैनू हुण होर कर कर लेना की। ओए, तरपोक हो गया शहर च पढ़ के? ओए जट दा वट पिछे कतल कर दंदा? मैं तां तैनू 100 एकड़ दित्ते आ कट्ठे करके। 100 एकड़ तेनू डरन की कोई लोड़ नहीं पुत्रा। जब फांसी चढ़ना पिया ना तो तेरा प्यो चढ़ू। तेनू तो मैं तीवा नहीं लग देता पुत्रा। देख बापू, मेरी गल मन, हूं ऐ ना कर। सारी जिंदगी दी इस कमाई नू मैं इस तरह पानी दे विच नहीं रोड़न देना पुत्रा। ना, बस एक बारी दिल तगड़ा कर ले। सारी जिंदगी ऐश करेगा, ऐश। अले पी। ना ना बापू, ना ना ना, ना बापू। पी बापू दा लगदा पी। ते कल तो बाद मुंडा मैनू नजर नहीं आना चाहिदा। सुने, एड्डी वड्डी रकम। एक छोटा जिहा काम है इंस्पेक्टर साहब, वो भी गलत नहीं। अच्छा, छोटा जिहा काम, वो भी गलत नहीं, ते उहदे लई एड्डी वड्डी रकम। काम हो गया तो इन्ना ही होर। बड़ा हौसला कीता ही जवाना, हिसाब नाल तां तैनूं अंदर कर देना चाहिए। पर तू बंदा ठीक लगता, काम दस। एक बंदा 6 साल पहला कार च घरों निकलिया, वापस नहीं आया। जिन्हें लापता किया वह मैं पता है। तुहाडा काम है उन्हों फड़ना। कौन है बंदा? मैनू क्यों मार दो? मैं की करता? अच्छा, तो तैनू यह भी दसना पऊ कि तू की कीता है। तैनू पता ही नहीं? 100 लगे इंस्पेक्टर साहब, मैनू कुछ नहीं पता। ओए, तू एडा वड्डा जुर्म कीता है तैनू याद ही नहीं? अज तो 6 साल पहला एक बंदा घर तो कार लेके निकलिया, ना कार मिली ते ना वो बंदा। याद आया इंस्पेक्टर साहब? थोनू कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है जी। गलतफहमी तो तैनू हुई है काका,
जेड़े असी हुणे कढ़ दिंदे आ आ जिहड़े रंग बिरंगे जे वाल कराई फिरदा ना हुणे बनाउणे आ तेरा मोर। चलो बाई ओए करो कारवाई। देख बई काका दसना तो तेनू पैना ही है, बाकी मर्जी तेरी है बई। पैल तू आप पाएगा जा फिर असी चित्रा ना पाइए। चलो भाई ओए बना दो जरा इहदा कलैरी मोर। मैं जरा शहर चलिया मुंडे मिलने वास्ते, शाम तक आ जाऊंगा। चंगा वीरा। तू इत्थे की लड़ना है डॉक्टर? जा जाके अपनी डिस्पेंसरी साहब। अज मैं कुछ दसना है अपनी मां। तू की दसेंगा? वे मैं दसदा तेरे बारे सारे नू। भैने यह सुरजीत सिंह की नजायज औलाद आ, अमरीका तो इतने आया अपनी जमीन का हक मंगने वास्ते। मैं पता सी तुसी ये गल करोगे, इसलिए मैं अपने हिस्से की जमीन राणी भैन के नाम करा चुके। मां जी तुसी पुछ लो पटवारी। मैं इतने जमीन ले नहीं, इस घर को अपना आया। तू जानना कि मैं जबरदस्ती कड़ा तेनों? हाँ हाँ, पहला तुसी मेरे डैड नूं नहीं वड़न दिता इस पिंड च, हुण मैनू करो कढ़ना चाहुणे। पर अज अज मैं अपनी गल कीते बिना नहीं जावांगा इत्थों। तू जानना कि मैं वीरा। तू दस बेटा की गल है? इस जमीन भी की चीज है मां जी? इस जमीन लई तुहाडे भरा ने पहला मेरे डैड नूं नहीं इत्थे आण दिता, ते हुण इसे जमीन लई इन राणी भैण दा घर वसन तो पहले ही उजाड़ दिता। एक नंबर का झूठा से पखंडी है भैने की सबूत तेरे को? तू तू किधरों आ गया? ओ बापू मैं तेनू कहा सी ना कर ना कर, पर तू मन्ने नहीं। की बकवास करी जाना है तू? हुण दस अपने बापू असलियत की है? सब खत्म हो गया बापू, सब खत्म हो गया। गुरपाल की उड़ीक करनी छड़ दे भैने, वह हुण इस दुनिया च नहीं रहा। की कह रहे मामा जी? थोड़ी कोलों पूछ रही मामा जी, जो कुछ मैं सुनिया क्या सच है? जवाब दे मामा जी, गुरपाल का कातिल कौन है? जवाब दे मामा जी, मैं थोड़ी कोलों पूछ रही हूँ, गुरपाल का कातिल कौन है? भैन जी गुरपाल का कतल कुलविंदर ने कबूल कर लिया, ते कतल इसने अपने बाप ते कहते कीता है। रानी, रानी, ब्याह तू की कर बैठा है वीरा?
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਫੇ ਭੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰੱਬ ਜੀ ਡਾਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਦਾ ਫੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦਾ हाय रब्बा हाय रब्बा ये सब सुनने तो पहला मैं मर क्यों नहीं गई मैं बहुत क्यों नहीं आ गई कह दे वीरा कह दे ये सब तू नहीं कीता वीरा कह दे सब झूठ है कह दे सब झूठ है कह दे सब झूठ है वाह मेरा रब्बा ये तो मेरे को कुछ करवाता केड़ा मुंह लैके आऊंगा मैं तेरे को ਅਰੇ 14 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਈ ਹੈ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ 14 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ 14 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਲਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਕੋਈ ਸੰਤੋ ਦਾ ਹਜੇ ਐਂਡ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਮ ਕੁੰਮ ਭਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਧਾ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ 1 2 3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਯੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਕੋਡਰ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਰੀ ਟੂ ਏਅਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਅਸਲ 'ਚ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਤਕਲ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਸ ਵੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਸਨ ਬੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆਹ ਹਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਬੂ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਾਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈਏ